अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। हर पिता का ये सपना रहता है कि जाने के बाद भी उन्हें याद किया जाता रहे। मौका और अवसर कोई भी हो, लेकिन ये याद बराबर दिलों में बसी रहे। महावीर गोल्ड कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट भी धर्मेंद्र भारद्वाज की इसी सोच को आगे बढ़ाने की श्रृंखला भर है। स्वर्गीय महावीर भारद्वाज की पुण्यतिथि पर महावीर एजुकेशनल पार्क व अरुणोदय संस्था के बैनर तले ऑल इंडिया टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मेरठ के सुप्रसिद्ध तोफखाना मैदान में आयोजित ये टूर्नामेंट 7 मार्च तक चलेगा। टूर्नामेंट के दूसरे दिन की शुरुआत में महावीर एजुकेशनल पार्क और जीनियस क्लब के बीच शानदार मुकाबला हुआ। मैच का फर्स्ट हाफ बराबरी पर रुका। दूसरे हाफ में महावीर एजुकेशन पार्क ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीनियस क्लब को 1-0 से पराजित कर दिया। इस मौके पर महावीर एजुकेशन पार्क के बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। आइए जानते हैं मैच के दौरान महावीर एजुकेशन पार्क की छात्राएं क्या बता रही हैं। मेरा नाम आभा पुंडीर है, मैं महावीर कॉलेज से हूँ। कैसा लग रहा है और मैच देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। हमारी टीम जीतने वाली है, वो लगातार गोल किए जा रही है, हम बहुत एक्साइटेड हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रीति बालियान है और मैं महावीर कॉलेज से हूँ। और हम लोगों को आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम लोगों को ये चांस मिला देखने का। और हमारी टीम इस बार की ट्रॉफी शायद हमारी टीम ही लेगी, क्योंकि हमारी टीम लगातार गोल करती जा रही है और हम अपनी टीम को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आपको मौका मिला खेलने के लिए तो आप खेलेंगी ये मैच? हाँ, पक्का, क्योंकि अगर हमें टाइम मिलता है, वैसे तो मिलता ही नहीं इतना टाइम खेलने का, बट अगर हमारे ने बताया एक प्रोमो मैच रखा जाएगा तो हम पक्का सपोर्ट करेंगे और पक्का पार्टिसिपेट करेंगे खेलने के लिए, क्योंकि हम खेलने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और मैच देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मेरा नाम अंशु सिरोही है, मैं महावीर कॉलेज से हूँ। हमारी टीम ने अभी गोल करा है और सब देख के बहुत खुश हैं, सबने उन्हें चेयर भी करा है उनका। ये हमारी बहुत ज्यादा एक्साइटेड प्लेयर है जो चाहती है कि हम अगर खेले। महावीर एजुकेशन पार्क के छात्र बिजोय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीनियस क्लब को चकमा देते हुए एक गोल दागा और टीम को जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके चलते उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। आइए जानते हैं जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बने बिजोय क्या कह रहे हैं। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं यहाँ खेलने टूर्नामेंट, और अच्छा लग रहा है कि यहाँ के मैच जीता, इतना हार्ड वर्क किया। आप मैन ऑफ द मैच बने हैं, तो आप अपनी खुशी जाहिर कीजिए, आपको कैसा फील हो रहा है? आपने बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हमें यहाँ खेलने के लिए बुलाया, इतना अच्छा टूर्नामेंट, इतना टफ फाइट दिया दूसरी टीम ने हमें, हमने भी बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया, उनसे ज़्यादा मेहनत की, गोल मारा और जीते। आगे भी ऐसे ही खेलना है, हार्ड वर्क करना है, अच्छी तरह से खेलना है और टूर्नामेंट जीतना है। इस अवसर पर महावीर एजुकेशनल पार्क के संस्थापक कुबेर दत्त शर्मा, धर्मेंद्र भारद्वाज, आयोजन सचिव पवन तोमर आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। आइए जानते हैं क्या कहना है महावीर एजुकेशन पार्क की चेयरमैन मनिका शर्मा का। बहुत अच्छा लग रहा है, आज अपने बच्चों का मैच है महावीर एजुकेशनल पार्क का, दूसरी टीम के साथ बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं। अब देखिए, होप फॉर द बेस्ट, हो सकता है हमारी जीत जीते, हम तो यही प्रेयर कर रहे हैं, पर दोनों ही टीम बहुत अच्छा कर रही है और बहुत अच्छी फाइट कर रही है एक दूसरे के साथ। नहीं, एक्चुअली में क्या है, मैं पहले बताना चाहूँगी कि महावीर गोल्ड कप के बारे में, एक्चुअली में ये हम लोगों ने सोचा थोड़े टाइम पहले कि हम लोग एजुकेशन के फील्ड में तो काफ़ी नाम कर रहे हैं, बट स्पोर्ट्स के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे मेरठ में यहाँ पर फुटबॉल के लिए कोई कुछ भी नहीं करता। अगर कोई भी एक स्पोर्ट के बारे में बोला जाता है तो सबका नाम होता है क्रिकेट का, कोई भी फुटबॉल के लिए कुछ नहीं करना चाह रहा। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम महावीर एजुकेशनल पार्क एक गोल्ड कप यहाँ पर करें, जिसके अंदर गर्ल्स की टीम भी हमारी आएगी फाइनल मैच के अंदर, गर्ल्स को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक मैच करें और वो महावीर गोल्ड कप के नाम से हो, जिसके अंदर सारी टीम्स आएँ नेशनल लेवल की, इसलिए बाहर की टीम भी आ रही हैं, 16 टीम्स आ रही हैं अदर स्टेट से, वो सारी की सारी टीम्स यहाँ पर आएँ, उन बच्चों को हम लोग मोटिवेट करें। और ये एक्चुअली में महावीर एजुकेशन पार्क, जैसे कि आप लोग पहले ही जानते होंगे, ये हमारे आशीर्वाद है बड़ों का, महावीर जी के नाम पर, स्वर्गीय महावीर जी के नाम पर ये इंस्टीट्यूशन बना और उन्हीं के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज के टाइम में इसमें मेडिकल कॉलेज भी आ गया आयुर्वेदिक के नाम से, तो हम लोगों ने सोचा स्पोर्ट्स में भी बच्चों के लिए कुछ करें, तो उसके लिए हम लोगों ने किया। इसमें बाहर से जो टीम्स आ रही हैं, सारी 16 टीम्स आ रही हैं बाहर से, कुछ टीम्स यहाँ की भी हैं, जो फर्स्ट से लेकर सेवन्थ तक मैचेस चलेंगे। सेवन्थ को जो भी फर्स्ट टीम होगी
उसको 31,000 रुपीज़ का प्राइज़ मिलेगा। सेकेंड टीम को 21,000 का प्राइज़ मिलेगा। इसके अलावा 1 लाख के अराउंड और अदर प्राइजेज़ हैं, कंसोलेशन प्राइजेज़ हैं जो हमारे यहाँ पर गेम्स खिलवा रहे हैं उन लोगों के लिए प्राइजेज़ हैं। तो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन यहाँ पर हुआ है और आगे आप लोग देख ही रहे हैं कि सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।